आसमान से टपका और खजूर पर अटका सोनू, सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो यहाँ करवाया एडमिशन। राजस्थान के कोटा से पूरा होगा आईएएस बनने का सपना, सोनू को पसंद आ गया एलन इंस्टीट्यूट। आनंद पुनिया की तरह सोनू का भी सपना होने वाला है पूरा, पुनिया के बाद सोनू बनेगा आईएएस। बिहार के सोनू की हालत आसमान से टपका और खजूर पर अटका वाली हो गई है। सैनिक स्कूल की तमन्ना पूरी नहीं हुई तो आखिर में कोटा जाकर एडमिशन लेना पड़ा। एक महीने तक पूरे देश की नजरों में रहा सोनू, अब उम्मीद है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। पहले जान लीजिए कि उसका एडमिशन कोटा में कैसे हुआ और किसने करवाया, और सबकी मदद ठुकरा कर वो वहाँ कैसे चला गया। फिर आपको बताते हैं कि सोनू को ऐसा क्यों लगता है कि कोटा में पढ़कर वो आईएएस बन ही जाएगा। 14 मई 2022 को कल्याण बिगहा में सीएम नीतीश के सामने हाथ जोड़कर पढ़ाई के लिए हिम्मत मांगने वाले सोनू के पास अब इतनी हिम्मत है कि वो आराम से पढ़ सकता है। उसे ये हिम्मत एलन इंस्टीट्यूट के को फाउंडर ब्रजेश माहेश्वरी ने दी है। जब तक सोनू आईएएस नहीं बन जाता उसका पूरा खर्चा इंस्टीट्यूट उठाएगा। वहाँ सोनू का एडमिशन 6ठी कक्षा में हुआ है। जानकारी के मुताबिक 6ठी क्लास के लिए उस इंस्टीट्यूट की फीस 30,000 के आसपास है। एडमिशन के बाद सोनू काफी खुश है और उसने उन लोगों को जवाब दिया है जो उसके चाचा पर सवाल उठा रहे थे। सोनू कुमार ने कहा कि कई लोग मेरे चाचा रंजीत कुमार पर आरोप लगा रहे थे कि वो सांसद या विधायक का टिकट ले लेंगे लेकिन तुम्हारा एडमिशन नहीं कराएंगे, जबकि मेरा एडमिशन कोटा में हो गया है। मेरे चाचा के पास कई ऑप्शन थे, उनमें से उन्होंने एक ऑप्शन चुना और मेरा एडमिशन कोटा में करवा दिया। चाचा ने कहा कि तुम आईएएस का लक्ष्य कोटा के संस्थान में रहकर पा सकते हो। सोनू सूद से लेकर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह तक की मदद ठुकराने वाले सोनू को आखिर ये यकीन कैसे हो गया कि एलन इंस्टीट्यूट उसे आईएएस बना ही देगा। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट करीब 40 सालों से चल रहा है। इसी साल मई के महीने में बोधी ट्री सिस्टम ने इस इंस्टीट्यूट में 4600 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जो एजुकेशन सेक्टर भारत का एक बड़ा समझौता माना जा रहा है। जो बच्चे जेईई नीट और ओलंपियाड की तैयारी करते हैं उन्हें पता है कि एलन इंस्टीट्यूट कितना बड़ा तोप है। और सोनू को इस इंस्टीट्यूट के को फाउंडर ब्रजेश माहेश्वरी ने बुलाकर दाखिला दिया है, वो सोनू से खूब प्रभावित है। चार महेश्वरी भाइयों की जोड़ी ने एलन इंस्टीट्यूट को देश विदेश के 46 शहरों तक पहुंचा दिया है। अभी इसके 138 सेंटर चल रहे हैं। हर साल यहां से हजारों इंजीनियर और डॉक्टर निकलते हैं, जिनमें से कई आईएएस आईपीएस भी बनते हैं। एक ऐसे ही अधिकारी हैं आनंद पुनिया, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। झुंझुनू के छोटे से गाँव श्यामपुरा के सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले आनंद भी सोनू की तरह पढ़ने में काफी तेज तर्रार थे, लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते चले गए। दादा गिरधारी लाल को खेती करते देख आनंद ने सोच लिया था कि या तो IITian बनूंगा या IAS। 12वीं के बाद पहली बार IIT की परीक्षा दी तो फेल हो गए, लेकिन फिर साल 2009 में एलन इंस्टीट्यूट में आकर दाखिला लिया और फिर अगले ही साल परीक्षा पास कर ली। IIT दिल्ली से बीटेक करने के बाद आनंद ने IAS वाला सपना भी पूरा किया और साल 2015 में ही UPSC की परीक्षा पास कर ली। जिस हिसाब से UPSC में IIT का बोलबाला है उसे देखकर सोनू भी लगता है समझ गया कि मुझे भी पहले IIT की परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे वही करते हैं जो उन्हें दिखता है। अब उम्मीद है कि सोनू 9 साल बाद जब UPSC की परीक्षा में बैठने लायक होगा तो पहले ही प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ले, वरना तो इतना फेमस हो चुका है कि IAS नहीं बनेगा तो देश में मजाक बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।